हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 15 जून 2021 के डेली करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कल के प्रश्नों के सुपर फास्ट रिवीजन की। तो 12 मई 2021 को संपन्न जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में म्यूकर मायोसिस, जिसको आप ब्लैक फंगस कहते हैं, तो इस दवा पर कितने प्रतिशत जीएसटी रखी गई है? तो याद रखिए कि इस पर से जीएसटी को पूरी तरह से हटा लिया गया है, यानी कि मात्र 0%। कोविड रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना किस बैंक ने शुरू किया है? तो दोस्तों, 5 साल के लिए आप 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं इस योजना के अंतर्गत, और यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE, दैट इज ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में, यानी कि 2015 से 16 और 2019 से 20, छात्रों के नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो सही आंसर इसका 11.4%। हाल ही में किस बैंक को फोर्ब्स के द्वारा इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का पुरस्कार दिया गया? तो यह है DBS बैंक। यह सिंगापुर में इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा और भारत में यह 26 वर्षों से बिजनेस कर रहा है। हाल ही में किस भारतीय मूल की पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 को जीता है? तो ये है मेघा राजगोपालन। हाल ही में सिद्धलिंगय्या नामक किस भाषा के प्रसिद्ध कवि का निधन हो गया? तो ये थे कन्नड़ भाषा के कवि, और इन्हें जो है दलिता कवि के नाम से भी जाना जाता था। हाल ही में UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, याद रखना UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में तिलोत्तमा सोम को यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में 600 अरब डॉलर से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो यह है 5वें स्थान पर। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पर रूस, और फिर आता है नंबर भारत का। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी केबल फर्मिना का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा गूगल। और कौन सा देश अपना पहला स्टील्थ नौसैनिक पोत बना रहा है? तो इसका सही आंसर है रूस, दैट इज रसिया। और दोस्तों, अब बारी है आज के प्रश्नों की, आइए शुरू करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप जान रहे हैं, और इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 7622। देखिए, ये 7622 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7622 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कई शैक्षिक पहल को जारी रखने के लिए दी गई है। एक ट्वीट में श्री निशंक ने यह भी कहा कि इस राशि का उपयोग विद्यार्थियों के लिए पुस्तक और वर्दी खरीदने के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग अध्यापकों के वेतन, प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा और डिजिटल पहल के लिए भी किया जाएगा। श्री निशंक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रशासन और व्यवस्था को सुगम बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा क्षेत्र में नवाचार यानी कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि IDEX को अगले 5 वर्षों के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? और इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर है 498 करोड़ रुपए, दैट इज ऑप्शन ए। तो आपको बता दें कि रक्षा क्षेत्र में नवाचार यानी कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि IDEX को अगले 5 वर्षों के लिए 498 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बता दें, यह बजट डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को अपने नवाचार से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। इस संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि IDEX की पहल देश में बनाए गए सबसे प्रभावी रक्षा स्टार्टअप्स में से एक है। यह अभियान आत्मनिर्भर भारत के विजन में देश को आत्मनिर्भरता देने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। 2018 में रक्षा मंत्रालय ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि IDEX की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश में ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो अनुसंधान और विकास संस्थानों, शिक्षाविदों, उपयोगों, स्टार्टअप को शामिल करके रक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही
प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करता है। आईडेस की कार्यकारी शाखा के रूप में डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DIO कार्य करेगा, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत लाभ के लिए नहीं कंपनी के रूप में गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट मंजूर किए जाने से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आईडेक्स और DIO का पहला मकसद देश के रक्षा और एरो स्पेस क्षेत्र को आत्मनिर्भर और स्वदेशी बनाना है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 महिला एकल का खिताब अभी हाल ही में जीता है बारबरा क्राजिकोवा ने। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो बारबरा क्राजिकोवा जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली हैं, चेक गणराज्य की बारबरा क्राजिकोवा ने रूस की अनस्तेसिया पॉलिचेनकोवा को 2-1 से हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने 6-1, 2-6, 6-4 से मुकाबला अपने नाम किया। 40 साल के बाद किसी चेक महिला को यह खिताब मिला है। याद रखिए कि अनास्तेसिया के करियर का यह पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल था और दूसरे सेट में उन्हें बाएं पैर में चोट का उपचार कराना पड़ा था। क्राजिकोवा के करियर का यह दूसरा WTA एकल खिताब है। उसने पिछले महीने फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में खिताब अपने नाम किया था। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु वन द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 मेन्स सिंगल्स टाइटल? तो इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर कि विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 5वीं सीड ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर फ्रेंच ओपन पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। तो उनके करियर का यह 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। जोकोविच ने 13 जून को 4 घंटे 11 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में सित्सिपास को 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 और 6-4 से हराकर खिताब को अपने नाम किया। याद रखिएगा, जोकोविच इसके साथ ही सभी 4 ग्रैंड स्लैम को कम से कम 2 बार जीतने वाले ओपन एरा के पहले और ओवरऑल तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस खिलाड़ी राय एमर्सन और ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व खिलाड़ी रॉड लेवर ने यह कारनामा किया था। तो यहाँ पर देखिए, जो साल के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुधा जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं तो उसमें सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन के बाद आता है विंबलडन ओपन और उसके बाद US ओपन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और ये लास्ट वाला यानी कि US ओपन, इसको जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये दोनों जो होता है ये हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ ये क्ले कोर्ट पर होता है, क्ले कोर्ट। और ये जो विंबलडन होता है ये ग्रास कोर्ट पर होता है। याद रखिएगा कि ग्रास कोर्ट पर होने वाला विंबलडन 2020 में आयोजित नहीं किया गया था। तो जोकोविच इसके साथ ही सभी 4 ग्रैंड स्लैम को कम से कम 2 बार जीतने वाले ओपन एरा के पहले और ओवरऑल तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। जोकोविच ने फ्रेंच ओपन में 13 बार के विजेता राफेल नडाल को सेमीफाइनल में ही बाहर कर दिया था। अब अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन होगा कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 13 जून को। और इस साल की जो थीम रही है वो क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि 13 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस। तो दोस्तों, याद रखना कि हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम रखी गई थी मेड टू साइन। तो ये जो थीम है मेड टू साइन, ये 2020 की थीम है। और 2021 की थीम क्या है? तो दोस्तों, 2021 की थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो अल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो फ्रेंड्स, साल 2000 के मध्य में तंजानिया में एल्बिनिज्म के शिकार लोगों पर किए जा रहे हिंसक हमलों और हत्याओं की खबरें सामने आई थी।
इन हमलों का कारण जादुई शक्ति को बताया गया था और कहा जाता था कि एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के पास जादुई शक्तियाँ होती हैं। इसके लिए उनके शरीर के अंगों की वजह से हमला किया जाता है और उन्हें खराब भी कर दिया जाता है। जब साल 2015 में लगभग 70 लोग मारे गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तब तंजानिया एल्बिनिज्म सोसाइटी, जिसको आप TAS कहते हैं, और अन्य गैर सरकारी संगठनों ने एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के अधिकारों की रक्षा की पैरवी की थी। इसके बाद 4 मई 2006 को पहली बार एल्बिनो दिवस मनाया गया था। इस दिन को आधिकारिक रूप से तब से मनाया जाने लगा जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव अपनाया था, जो 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में 2015 से घोषित करने के लिए था। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किसे डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल यानी कि DPCGC के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसका सही जवाब है अर्जुन कुमार सीकरी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों, OTT प्लेटफार्म की अश्लीलता को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में गठित डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी समस्याओं का निवारण करेगा। इसके लिए 10 जून को उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अर्जुन कुमार सीकरी को शिकायत निवारण मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दरअसल DPCGC में इन दिनों 14 OTT प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इसमें अमेजन प्राइम वीडियो, ALT बालाजी, एप्पल बुक माई शो, इरोज नाउ, नेटफ्लिक्स और हंगामा सहित कई अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इन शिकायत निवारण मंडल काउंसिल का काम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवा से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान देना और उसका निवारण करना होगा। हाल ही में किसे WHO ग्लोबल एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, जिसको आप कहेंगे GAPHTAG, का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा और बहुत ही शानदार है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, यानी कि मुकेश शर्मा को। मुकेश शर्मा IIT कानपुर में प्रोफेसर हैं। IIT कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े प्रोफेसर मुकेश शर्मा को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार के समूह का मानद सदस्य नियुक्त किया है। शर्मा 194 सदस्य राष्ट्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हस्तक्षेप नीतियों पर WHO सलाहकार समूह को का जो है एक हिस्सा होंगे, एक पार्ट होंगे। हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको आप UNCTAD भी कहते हैं, तो UNCTAD का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, और सही आंसर है इसका रेबेका ग्रीन स्पैन। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर सही है। कोस्टारिका की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन स्पैन बनी है UNCTAD की महानिदेशक। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया में व्यापार और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनी अपनी एजेंसी UNCTAD के महानिदेशक पद पर कोस्टारिका की महिला अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन स्पैन की नियुक्ति किए जाने के प्रस्ताव का 11 जून को अनुमोदन किया है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन UNCTAD का मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा में। रेबेका इसका नेतृत्व संभालने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी क्षेत्र की पहली व्यक्ति होंगी। आगे बढ़ते हैं और अब बारी है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर की। दोस्तों, ये जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन के 158 साल के इतिहास में उसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं डेवी हेविड। क्या नाम है? डेवी हेविड। हाल ही में किस देश ने भारतीय ट्विटर विकल्प कू पर आधिकारिक अकाउंट बनाया है? तो कू जो है ये तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, बहुत सारे लोग कू पर आ गए हैं। तो नाइजीरिया में भी यही हुआ है। नाइजीरिया में ट्विटर को किन्हीं कारणों से सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ कि नाइजीरिया ने कू पर, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कू पर अपना आधिकारिक अकाउंट बनाया है। दोस्तों, कू पर अगर आप हैं तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा भी जो प्रोफाइल है वो कू पर मौजूद है, लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए अगला प्रश्न होगा कि CRICURU, तो CRICURU नामक ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट की शुरुआत की गई है वीरेंद्र सहवाग के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं हुसैन अल मुसल्लम, और आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ, जिसको फिना कहते हैं, मतलब इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, इसका मुख्यालय आपको लाजेन स्विट्जरलैंड में मिलेगा। और G7 देशों का शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में 11 जून से 13 जून तक हुआ। इसकी थीम रखी गई बिल्ड बैक बेटर, यानी कि B3।
तो दोस्तों याद रखना, ये जो G7 कंट्रीज हैं, G7 की स्थापना कब हुई थी? G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। और G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो इसके लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। देखिए, इंडिया जो है वो G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इसे इनवाइट किया गया था एज ए गेस्ट कंट्री। और G7 सम्मेलन को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया था। तो G7 में कौन कौन से देश हैं इसको याद रखना है, तो आप ऐसे इसको याद रखना, जूस GF, इसको आप ऐसे समझो कि आपको जूस पीना है किसके साथ, GF के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ। तो इसको आप ऐसे याद रखने के लिए याद रखो, जूस मतलब J इज जापान, U इज USA, I इज फॉर इटली, C इज फॉर कनाडा, E इज फॉर इंग्लैंड, Z इज फॉर जर्मनी, F इज फॉर फ्रांस। तो इस प्रकार से अगर आप इसे याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जूस GF आपको याद रखना है, और उसके बाद हर चीज़ आपकी आसान हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको जो है बता देता हूँ एक बार, इंग्लैंड का मतलब आप ब्रिटेन से समझिएगा, फिर आता है जर्मनी, और फिर आ जाएगा आपका फ्रांस। तो ये हैं 7 कंट्रीज ऑफ G7, ग्रुप ऑफ 7। तो फ्रेंड्स, अब बारी है आज की क्विज की, लेकिन उसके पहले कल का जो प्रश्न था उसको करेंगे आंसर। तो कल प्रश्न ये पूछा गया था कि धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है। सही आंसर था इसका ऑप्शन D, यानी कि पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और यहाँ पर देखिए, जो आंसर आज मेंशन हो रहा है यहाँ पर, वो है रंजना तिवारी जी का। इन्होंने बताया कि धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली उत्तेजक पेराक्सिटिसिल नाइट्रेट होता है। यह आंखों में बहुत ज़्यादा जलन पैदा करता है। गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती है, जिसमें ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, पेराक्सी एसिटिल नाइट्रेट भी इसमें शामिल होता है। और इस अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिलहाल आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है, तो इसी प्रकार की आंसर की हमें अपेक्षा है। फिलहाल क्वेश्चन है आपके सामने आज का प्रश्नों का, कि मैड्रिड ओपन 2021 महिला एकल की विजेता कौन रही थी। ये हैं आपके ऑप्शन, और इसका आंसर आप लोग लिखिएगा डिटेल में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दिया करें। याद रखिए कि जितना अधिक व्यू आता है हमें भी उतना ही अधिक मोटिवेशन मिलता है। डेली काफ़ी मेहनत के बाद आपको ये वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है, और उस पर अगर जो व्यू होते हैं नहीं मिलता है तो हमें भी थोड़ी सी निराशा तो होती है। तो हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।